हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में एक न्यूटन थ्योरम बताया था, जिसका अप्लाई हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको करना सिखाया था। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि न्यूटन थ्योरम को अप्लाई सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते हैं या फिर हायर डिग्री जो होता है जिसे क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते हैं। तो हम न्यूटन थ्योरम का अप्लाई हायर डिग्री वाले पॉलिनोमियल में भी करते हैं, जैसे क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक जो भी हो गया, सब सब में अप्लाई करो, सब में ये रूल अप्लीकेबल है। ठीक है, तो मैं आज ऐसे ही एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ क्यूबिक का, और आपको अप्लाई करना सिखाता हूँ कि कैसे आप न्यूटन थ्योरम का अप्लाई क्यूबिक में आप करते हो। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म मैं लिख देता हूँ क्यूबिक का। तो क्या होता है हमारे पास, ए एक्स क्यूब और प्लस क्या होता है, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। ये आपके पास एक क्यूबिक का इक्वेशन है जिसके कितने रूट्स होते हैं, तीन, अल्फा बीटा एंड गामा, इसके तीन रूट्स हैं। ठीक है, एंड कंडीशन आपके पास है ए सी एन इक्वल टू अल्फा एन प्लस बीटा एन प्लस गामा एन, अगर गिवेन है। ठीक है, देन हम लोग लिख सकते हैं ए एस एन प्लस बी एस एन माइनस वन प्लस सी एस एन माइनस टू और प्लस डी एस एन माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। उसमें तीन एन माइनस टू तक था, इसमें एन माइनस थ्री, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म आपका बढ़ गया, तो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ये होता है न्यूटन थ्योरम। ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, पर ऑर्डर आपको जानना नहीं है। जैसे एन की जगह आप एन माइनस थ्री लिखोगे, अब ऑर्डर एन माइनस थ्री आ गया तो यहाँ पे एन माइनस टू आएगा, फिर यहाँ पे एन माइनस वन, यहाँ पे एन आ जाएगा, और वो याद रखने की जरूरत नहीं, आप ये वाला याद रखो, आपका काम चल जाएगा। अब देखिए कोफिस आपका एक जो क्यूबिक गिवेन है वो क्या गिवेन है, एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। कोफिशिएंट को फटाफट नोट करें, ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू फोर और सी इक्वल टू थ्री है, डी इक्वल टू फाइव है, और एन इक्वल टू, एन भी हम तो देखना पड़ेगा। तो अब एन क्या है, यहाँ पे देखो टेन है, नाइन है, एट है, सेवन है, जो हाईएस्ट है उसको पुट करते हैं, यानी कि एन इक्वल टू टेन। अब इस सारा का सारा वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसमें पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वन है और एन टेन है, यानी कि वन लिखने का कुछ मीनिंग नहीं है, तो एस टेन प्लस बी कितना है हमारे पास, बी फोर है, यानी कि फोर लिख दिया, और यहाँ पे एस नाइन हो जाएगा। प्लस सी कितना है, थ्री है, और यहाँ पे टेन माइनस टू कितना हो जाएगा, एट, और यहाँ पे हमारे पास फाइव है, और यहाँ पे एस हो जाएगा, और यहाँ पे सेवन हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। ये आपके पास बन गया। अब देखिए क्वेश्चन में आपको निकालना क्या, आपको निकालना है एस टेन प्लस फोर एस नाइन डिवाइडेड बाई थ्री एस एट प्लस फाइव एस सेवन का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो कितना सिंपल हो गया ना, एस टेन प्लस फोर एस नाइन को हमें एक साइड रखना है, एल एच साइड रख दिया, और बाकी को हमने दूसरे साइड से कर दिया, तो माइनस लग जाएगा ना, क्योंकि दोनों प्लस में है, तो यहाँ पे हो जाएगा थ्री एस एट और यहाँ पे हो जाएगा फाइव एस सेवन। ठीक है, तो अब लोग क्या करेंगे, एस टेन प्लस फोर एस नाइन होल पार्ट को नीचे अगर लेके आते हैं, यहाँ पे हो जाएगा थ्री एस एट और प्लस कितना हो जाएगा, फाइव एस सेवन विच इज इक्वल टू माइनस वन। ये आपका आंसर आ गया। तो देखो ए इज द राइट आंसर। कितना आसान तरीके से हमने न्यूटन थ्योरम का अप्लाई क्यूबिक में करना सीख लिया। ठीक है, तो अब ऐसे ही आपको कोई भी अगर डाउट्स है मैथ्स में, कोई भी आपको अगर लगता है कि ये हमने किया, ये डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपके लिए वीडियो जरूर अपलोड करूंगा, या फिर मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक्स फॉर